हम यहाँ पे स्वीप कमांड पढ़ने वाले हैं। स्वीप कमांड के बेसिस पे हम यार शेप बनाने वाले हैं। अगर इस शेप को ध्यान से देखेगी तो एक पाइप है, वो बेंड हुआ हुआ है, दो साइड के दो पाइप वर्टिकल उसके साथ अटैच हो रहे हैं। ये अंदर से हॉलो हाँ स्ट्रक्चर है, इसका नाम सस्पेंशन कंपोनेंट है। अब पाइप जो हमारा बेंड हुआ हुआ है, जिस मैनर में बेंड हुआ हुआ है, वो एक सेमी सर्कुलर पाथ है हमारा। उस पाथ की डिटेल दे रखी है 134 का रेडियस। नीचे जो पाइप का साइज है वो दे रखा है कि 80 का इनर डाया है और 108 का आउटर डाया है। उसके साथ साथ एक फ्लेंज अटैच है 120 डायमीटर की। तो इसको बनाने के लिए हम स्वीप कमांड का यूज करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं पाथ बना रहा हूँ। पाथ कितने का है मेरा, एक सेमी सर्कल है, 134 रेडियस। का। सो मैं सॉलिड वर्क्स पे गया, न्यू फाइल से स्टार्ट किया, फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गए, एक सर्किल बनाया मैंने। क्योंकि हॉलो चाहिए, वो हाफ चाहिए, तो मैंने लाइन बना के नीचे वाली प्रोफाइल को ट्रिम कर दिया। ये लाइन भी मुझे कंस्ट्रक्शन में नहीं चाहिए क्योंकि पाथ मेरा सिर्फ इतना होना है। तो इस लाइन को सेलेक्ट करके मैंने कंस्ट्रक्शन मोड में डाल दिया। यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन ऑप्शन के अंदर फॉर कंस्ट्रक्शन होता है, आप इसको क्लिक कर दो जिससे ये डॉट एंड में आ जाए। अब मैंने इस सर्कल को डिफाइन किया, इस सर्कल का रेडियस दे रखा है 134। हो गया, एग्जिट कर दिया हमने। और कुछ बनाने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि पाथ इतना ही है हमारा। पाथ में बाकी और कोई अननेसेसरी चीजें नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब मुझे जो प्रोफाइल बनानी है, अगर मैं ड्राइंग देखूं तो वो प्रोफाइल कहाँ है, इसके या तो राइट हैंड पे बनी हुई है या लेफ्ट हैंड पे बनी हुई है। वो शेप कैसा है, सर्कुलर है। तो इसके कर्व के परपेंडिकुलर कोई प्लेन आएगा यहाँ पे क्या? राइट प्लेन पे मैं बना सकता हूँ, नहीं राइट प्लेन पे बना सकता हूँ, बट ऊपर बनाना पड़ेगा। टॉप प्लेन पे भी टॉप बना प्लेन सकता हूँ, टॉप प्लेन पे इधर बनाना पड़ेगा, इधर या इधर क्या? बट फ्रंट प्लेन पे बना सकता हूँ मैं, नहीं फ्रंट प्लेन वर्टिकल हो गया, इस पे नहीं बन पाएगा। तो आप टॉप पे भी बना सकते हो, राइट पे भी बना सकते हो। मैं टॉप प्लेन पे स्केच में जा रहा हूँ। मैंने क्या लिया, एक सर्किल लिया। सर्किल कहाँ बनाना है, मैंने इसको हल्का सा रोटेट किया, इसके एंड पे एक सर्किल और इसी के एंड से दूसरा सर्किल। सर्किल को डिफाइन किया इनर डायमीटर, आउटर वाला को इस पाथ के ऊपर। तो हम स्वीप पे गए, प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया। अब क्या देना है यहाँ पे, पाथ। पाथ क्लिक किया। ओह अच्छा, क्या यू यू बैंड बन गया सर। नीचे वाले फेस पे स्केच पे गए, देख सकते हो यहाँ पे नीचे भी एक सिलेंडर है। और इसको डिफाइन करने के लिए दोनों सर्कल को सेलेक्ट करके कॉन्सेंट्रिक कर दिया। ओके डिफाइन। अच्छा इसको अब एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड कितना करना है यार, रेडियस देखो लगा हुआ है कितने का, चार। और ये सेमी सर्किल होगा, फीचर से बाहर निकले। एक्सट्रूड किया, अभी नीचे एक्सट्रूड हो रहा है, नीचे नहीं करना हमें, ऊपर करना है। सही है, अच्छा। यहाँ पे जो हमें क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है, राउंडनेस है सर, इसको क्या है, हाफ क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है, हाफ फुल दिखा रखा है। तो क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हो, बीच में से हॉलो होगा, तभी तो एयर या वाटर या फ्लूइड इसके अंदर से पास होगा। बट जो हमारी ड्राइंग है, हमारे में तो नहीं है। हॉलो करने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको तो यहाँ पे एक सर्कल बनाना होगा, इनर वाला जो कि 80 डायमीटर का था, उसको एक्सट्रूड कट करना होगा अलग से। बट मेरा टाइम भी बढ़ेगा और ये भी बड़ा होगा। इसको राइट क्लिक करके एडिट फीचर पे गए, मैंने एक सर्कल और बनाया। अब ये सर्किल आप याद रखेंगे, इनर से थोड़ा सा बड़ा रखना है और आउटर से छोटा रखना है। ठीक है, आपको इतनी भी दे दो, मैंने 90 दे दिया। इनर से तो बड़ा था, आउटर से छोटा और इनर से बड़ा रखना है, बीच में, इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू दे दो। ठीक है,
आज हम तैयार हो गया। अब क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम देखें ऊपर एक सिलेंडर आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, उसमें दो सर्किल हैं 84 और 44 के, इसके नीचे से ऊपर तक की हाइट कितनी है 197। अब यहाँ से अगर मैं टॉप प्लेन देखता हूँ, टॉप प्लेन तो नीचे फ्रंट प्लेन वर्टिकल है, राइट प्लेन भी वर्टिकल है, तो फ्रंट और राइट पे तो नहीं बना सकता मैं वो सर्किल को, सर्किल को टॉप व्यू में बनाऊंगा ना, टॉप व्यू नीचे है, मैं इस प्लेन को अगर ऊपर ले जाऊं कितना ऊपर 197 हाइट, वहां पे जाके सर्कल बना के पैड कर सकता हूं, एक्सट्रूड कर सकता हूं मैं, या नहीं तो हमने क्या किया, टॉप प्लेन को सिलेक्ट किया, फीचर कमांड पे गए, रेफरेंस फीचर कमांड के अंदर यहां से रेफरेंस ज्योमेट्री पे गए और रेफरेंस ज्योमेट्री पे जाके प्लेन पे क्लिक कर दिया। अब यहां से वैल्यू दे दी कितनी 197। तो इन ऊपर ऑफसेट हो गया क्या, इस प्लेन पे स्केच पे गए, एक सर्किल दूसरा सर्किल, इन दोनों सर्किल को इसके अबाउट मिरर भी कर दिया, सर्किल को डिफाइन किया इनर वाला 44 का था 44 का और आउटर वाला अनडिफाइन आ रहा है, डिफाइन करने के लिए लेंथ देनी कितनी है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आता है आगे। प्लेन को आप हाइड कर दो, स्केच को सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड, ऊपर नहीं करना है हमने नीचे डायरेक्ट पलटी करके, भाई माइक म्यूट कर लो ना, फैन की आवाज आ रही है, सर की कम आ रही है आवाज। अप टू नेक्स्ट एक्सट्रूड कर दिया हमने। अच्छा अभी मैं एक काम करता हूँ, फ्रंट प्लेन पे क्लिक किया और यहाँ से फ्रंट प्लेन करके मैंने सेक्शन व्यू पे क्लिक किया ताकि हाफ सेक्शन तो देख सकूं, जो हैच्ड है जो इसमें कलर्ड है वो मतलब सॉलिड है, वो हैच एलिमेंट होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ बीच में हैच नहीं हुआ हुआ, जैसे यहाँ बीच में हैच नहीं है, इधर भी बीच में हैच नहीं है। अब हमने यहाँ बीच में तो एक्सट्रूड जब किया था तो उसमें सर्किल बना दिया था, वो उतना नहीं आया, लेकिन ये तो स्वीप करके बना हुआ था, ये होल आ रहा है लेकिन ये नीचे इसमें होल नहीं आ पा रहा, तो मुझे इस शेप को कट करना होगा या नहीं। तो देखो आप सर करना होगा कट, तो मैं इसको सेक्शन को बंद किया, इसी फेस पे वापस से स्केच पे गए, इसके इनर एज को सिलेक्ट किया, इसके भी इनर एज को सिलेक्ट किया, कन्वर्ट एंटिटी कर दिया, एग्जिट किया और इसको एक्सट्रूड कर नीचे की तरफ अप टू नेक्स्ट कर दिया, ओके कर दिया, हो गया हो गया। ये जो शेप आ रहा है इसको फिलेट लगा दिया हमने, फिलेट पे गए, बेंड रेडियस 4 का, नीचे वाली एज पे भी ऊपर वाली एज पे भी ओके कर दिया। ये वाली एज के ऊपर फिलेट कितना लग रहा है 10 रेडियस, वापस से फिलेट पे गए, रेडियस बदला 10, ये वाली एज पे भी, ये वाली एज पे भी, और जो इनर एजेस हैं हो गया 10 रेडियस का फ्लिट करके ओके कर दिया। अब ये जो सिलेंड्रिकल शेप है वही शेप इधर भी चाहिए, तो मैंने क्या किया, किस प्लेन के अबाउट मिरर करना है, पहले वो देखा राइट प्लेन के अबाउट, मिरर पे गए, एक्सपेंड किया, किस चीज को मिरर करना है, एक्सट्रूड बॉस 2 को, एक्सट्रूड बॉस 1 को, एक्सट्रूड बॉस 2 ये है नहीं, एक्सट्रूड बॉस 1 को, फीचर यहाँ पे फीचर पे जाके क्लिक किया, एक्सट्रूड बॉस 1 को सिलेक्ट कर दिया हमने, बट सिर्फ इसको नहीं फिलेट को भी तो करना है, फिलेट को भी सिलेक्ट किया ओके कर दिया।
देखो आप शेप तैयार हो गया वाला, ये नहीं। अब आप वापस से इसका सेक्शन कट करो और देखो ऐसे दिखा रखा है वो। ठीक है, बताइए कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। बन जाएगा स्वीप कमांड से ये शेप। ये बनाना है, इसके साथ फ्लेंज दिया हुआ है, ये अपने आप ट्राई करना है। ओके सर। ठीक है, ये दो चीजें बना के लेके आनी है। और आप लोगों ने हेडफोन बना लिया आपने? नहीं, आपने बना लिया? आप उसकी वायर बना के लेके आएंगे, फिर बाकी लोग एक बार हेडफोन ट्राई करेंगे अपने आप। कल की क्लास में मैं हेडफोन बनाना ही बताऊंगा, ठीक है? और जो आपका मेरे को बता दूंगा। ठीक है, सो इतना समझ में आया? यहाँ तक का काम करके ड्राइंग व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ सर। हाँ जी।